हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमास टेस्टी रेसिपीज। और मैं हूँ सोमा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिनी पोटैटो दम। लेकिन वीडियो देखने से पहले, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरे सब अपडेट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और वीडियो अच्छे लगने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है इस टेस्टी रेसिपी में। मैंने ले लिया है मिनी पोटैटो बॉईल करके, ले लिया है ऑनियन पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ले लिया है ग्रीन चिली स्लाइस्ड करके और कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड करके, ले लिया है बे लीव्स, कार्डमम, सिनामम, क्लोव्स, जीरा और कसूरी मेथी, और चाहिए सूखे मसाले में ले लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाले पाउडर और रेड चिली पाउडर। अब मैंने बॉयल पोटैटो को फोक कर लेंगे, ताकि उसके अंदर अच्छी तरह मसाला जा सके। देखिए, इसी तरह फोक करनी है चारी तरफ से। बहुत ही इजी है। अब मैंने ओवन में फैन चलाकर तेल डाल दिया और तेल को गरम कर लिया, थोड़ा सा हल्दी और रेड चिली पाउडर डाल दिया। अब पोटैटो को फ्राई कर लेंगे। चार पाँच मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करते रहेंगे, जब तक ना इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए, आलू फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया। अब मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लूँगी। आप इसका कलर देख सकते हो कैसे लग रहे हैं। अब ओवन में थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे और उसमें डाल देंगे बे लीव्स, जीरा, कार्डमम, सिनामम और क्लोव को दो मिनट तक फ्राई होने देंगे। जब इसका एरोमा निकलेंगे तब हमें ऑनियन पेस्ट को डालना है। ऑनियन पेस्ट डाल दिया और दो मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम पर ही रखिए। थोड़ा सा कवर कर दिया। देखिए, ऑनियन फ्राई हो चुके हैं। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल देंगे और फिर से अच्छी तरह फ्राई करते रहेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही इजी है, बहुत ही कम समय में बनने वाला रेसिपी है। अब मैंने टमाटो पेस्ट को डाल दिया और फिर से अच्छी तरह मिलाकर फ्राई करते रहेंगे। आप सूखे सारे मसाले ऐड कर देंगे, गरम मसाले छोड़कर, और कसूरी मेथी हम बाद में ऐड करेंगे। फिर से अच्छी तरह मिलाते हुए फ्राई करते रहेंगे। ये रेसिपी के साथ आप राइस, पराठे, पूरी सबके साथ परोस सकते हैं। ऐड कर दिया नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा
स्लाइस ग्रीन चिली भी ऐड कर लिया और फिर से मिलाते हुए फ्राई करते रहेंगे मसाले को जब तक अपना तेल निकल आए। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि मसाले जले ना। मसाले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसमें पोटैटो को ऐड करेंगे और फिर से मसाले के साथ एक साथ मिलाते हुए फ्राई करते रहेंगे, पकाते रहेंगे। बहुत ही अच्छी तरह मसाले के साथ पक गया। अब ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। मैंने 2 कप पानी ऐड कर लिया। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करना, जैसे आप ग्रेवी रखना चाहते हो ऐसे ही आप कवर करके 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करते रहेंगे। 4-5 मिनट हो गया, अच्छी तरह कुक हो गया। अब मैंने गरम मसाले को ऐड करेंगे और मिला देंगे ग्रेवी के साथ और कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा क्रश करके लेंगे, इसमें अच्छी तरह महक आएगी। मिला देंगे अच्छी तरह, उसके बाद कवर कर देंगे। और 2-3 मिनट तक फिर से कुक करते रहेंगे। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रहे है। कवर करने के बाद 2-3 मिनट ही पकानी है। देखिए बिल्कुल रेडी है दम आलू। बाकी के स्लाइस्ड ग्रीन चिली हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करेंगे और एक साथ मिला देंगे। आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कवर लगा के रेस्ट कर लेंगे 4-5 मिनट तक। देखिए पानी भी कितना कम हो गए है। ग्रेवी आलू सोख लिया है और बिल्कुल रेडी हो गए है दम आलू। बहुत ही टेस्टी, मुंह में पानी आने वाला रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप जल्दी बना सकते हो। अब मैंने एक सर्विंग बोल में सर्व कर दिया और थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स देकर गार्निश कर दिया। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कोई भी नई रेसिपी की ख्वाहिश हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। लौट आएंगे जल्दी से एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।